मैं तो आजकल कैब ड्राइवर को भी रेटिंग देने से डरने लगा। ऑडियंस की आंखें खोल, उनका टेस्ट अपग्रेड कर। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विनोद स्वागत करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, आज 23 सितंबर है और आज के दिन हमारे सन्नी पाजी की मूवी आ चुकी है चुप है, जिसने ताबड़तोड़ कमाई की है। सुबह उठते ही लोग हैं जो सुबह उठ के मुँह धोते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं या दूध पीते हैं, पर सनी देओल आज के दिन पैसे ही पैसे पीने वाले हैं, क्योंकि इस मूवी ने ताबड़तोड़ कमाई की है सुबह की शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस मूवी में आपको सनी देओल, दुलहर और पूजा भट्ट जो मुख्य रूप से नजर आने वाले हैं, और इस फिल्म के डायरेक्टर है वो आरआर बल्कि है, और आपको इस फिल्म में साइको किलर की कहानी नजर आने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार था दर्शकों को, और ये इंतज़ार है जो आज ख़त्म भी हुआ है। आपको बताते चलें कि इस मूवी को जो क्रिएटर्स हैं उनको ना दिखाते हुए दर्शकों को दिखाया गया है, क्योंकि जो दर्शक है वो इसका प्रीव्यू है अब जो ट्विटर पर करेंगे। जो हमारे सनी देओल है वो कई दिनों से है जो बड़े पर्दे पर नहीं आ रहे थे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर अब बहुत दिनों बाद है वो बड़े पर्दे पर आए थे, और बड़े पर्दे के आने के साथ साथ है उन्होंने जो बॉलीवुड की इज्जत भी बचाई है और खुद भी अपना जो रंग है दिखाया है। क्योंकि आपको पता है सनी देओल पाजी है वो सबसे ज़्यादा जो देशभक्ति मूवी लेके आते हैं जिसमें दहाड़ने वाला कुछ जैसा हो, क्योंकि जो बॉलीवुड के शेर है वो सनी देओल को ही कहा जाता है, औरों में ऐसा दम नहीं है। जैसे सनी देओल दहाड़ मारते हैं ना, वैसे और कोई नहीं मार सकता बॉलीवुड में। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो सनी देओल के रोल होते हैं ना वो खतरनाक टाइप ही होते हैं, जैसे कोई फौजी है या कोई ऐसा हीरो जो अकेला ही जाके सबको बचा ले। और ये सच भी है, क्योंकि सनी देओल को तो देखकर लगता है कि वो अकेले जाकर बचा सकते हैं। अब चक्की पांडे को देखकर हमें क्यों लगेगा कि वो अकेले जाकर सबको बचा लाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए सनी देओल को एक शेर की तरह माना जाता है बॉलीवुड में। तो उनकी आज मूवी आई है, आपको बता दें कि उनकी मूवी ने सुबह की शुरुआत से ही 2 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है, और सुबह उठते 2 करोड़ रुपए कमाने बहुत बड़ी बात है। आज तो पूरा डे बचा है, तो पूरे दिन में सनी देओल की ये फिल्म है ना थिएटर, सिनेमा घर सबको उखाड़ कर छोड़ देगी, और इतनी ज़्यादा कमाई करेगी आप सोच भी नहीं सकते। आपको बता दें कि आप अगर सनी देओल के फैन हैं तो ये मूवी ज़रूर देख के आना, क्योंकि सनी देओल की फिल्म को हमें हिट करवाना है। और जो पीछे ब्रह्मास्त्रा मूवी आई थी उसके साथ कंपटीशन है इस मूवी का, तो उसके साथ कंपटीशन चलने के साथ साथ है उसे हमें नीचे गिराना है, और जो सनी पाजी की मूवी है उसे हमें ऊंचे लाना है, क्योंकि जो और बॉलीवुड वाले हैं वो कोई किसी काम का नहीं है, सब मतलबी है। तो हमें हमारे सनी देओल को ही रिकॉर्ड में लाना है, और उनकी फिल्म जो हिट करवानी है, आगे उनकी जो गद्दर पार्ट 2 आ रही है उसे भी हिट करवाना है, इसे भी आप हिट करवाइए। बाकी सब लोगों को आप बायोकॉट करिए, क्योंकि बॉलीवुड में तापसी पन्नू जैसे कई कीड़े हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, बॉलीवुड के लिए नुकसानदायक है, उनके लिए बायोकॉट है जो एक दवाई के रूप में काम करता है। तो आप सनी देओल को ही हिट करवाओ और बाकी किसी को मत करवाओ। अगर आप सनी देओल के फैन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और जो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और आपको इस फिल्म की जो कहानी है वो अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जब कलेक्शन ओवर होता है ना आगे, तो उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल पर आज सनी देओल पाजी के ही वीडियो ज़्यादातर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, जय हिंद।